टीचर आपको सिखा सकता है, लेकिन ऑन स्पॉट व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन या व्हेन एवर देर इज नो सपोर्ट ऑफ एनी अदर टीचर और एनी काइंड ऑफ हिंट, तो बेटा आपके दिमाग को इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिलता है और आपको तैयारी इंडिपेंडेंट समय की करनी चाहिए. मतलब व्हेन एवर देर इज नो सपोर्ट देन इन व्हाट वे यू कैन यूज योर माइंड इन सच अ वे दैट यू कैन या योर ब्रेन स्ट्राइक्स द पॉइंट वेयर द सोल्यूशन वॉज. मतलब उसी जगह पे दिमाग आपका जाए जहां पर हम पिक करके क्वेश्चन को उठा के राइट डायरेक्शन में जाते हैं. कॉम्पिटिशन में एक और व्यथा है बेटा कि कई बार आप क्वेश्चन उसे करते हैं, अगर वो आपसे एग्जाम में आया लेकिन अगर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आया, और खासतौर पर अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में आया, दूसरे अटेम्प्ट में चलिए तो कई बार हो जाता है कि पहले अटेम्प्ट में कुछ छोटा मोटा गलती हो गया तो नहीं आया, लेकिन अगर वो तीसरे अटेम्प्ट में आया, और ऐसे कई क्वेश्चन अगर एग्जाम में तीसरे अटेम्प्ट में आते हैं, तो फिर वो आपका टाइम इतना खराब करते हैं कि आपका पेपर अच्छा होने के बावजूद भी आप कॉम्पिटिशन से बाहर होते चले जाते हैं. कि कॉम्पिटिशन इज नॉट एक्चुअली गेटिंग गुड मार्क्स, कॉम्पिटिशन इज गेटिंग मार्क्स और परसेंट और परसेंटाइल मोर देन द अदर कॉम्पिटिटर जो आपके लेवल पे है, उसको बीट करना ही कॉम्पिटिशन है. तो कॉम्पिटिशन में सभी के लिए विन विन कंडीशन नहीं होती है कि मतलब चार बच्चों में कॉम्पिटिशन है तो चारों जीतेंगे, अगर सीट एक है तो एक ही जीतेगा, तीन बच्चों को दोबारा आना पड़ेगा. बोर्ड में और जो अकेडमिक होता है उसमें अलग होता है, चार बच्चे हैं अलग अलग लेवल के हैं, चारों जीत सकते हैं. हो सकता है एक का 94% आए, एक का 95 आए, एक 94.5 आए, एक 93.5 आए, तब तो वहां चारों जीत जाएंगे. लेकिन कंपटीशन में अगर सीट एक है तो एक जीतेगा और सीट दो है तो दो जीतेगा. एग्जाम के लिए कुछ मत छोड़िए कि वहां पर कुछ चीजें कर लेंगे, चलो यार कैलकुलेशन कर लेंगे. नहीं बेटा, जो घर पे सीखोगे, जो डे टू डे प्रैक्टिस में सीखोगे, वही तो जाके वहां डिलीवर करोगे. और अगर आप इस थॉट को दिमाग में लेके चलते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम हो जाती हैं और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रेंथन अप होता है, आप कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं. इस वीडियो में बेटा इतनी ही बात करेंगे. दिस इज एम सिंह सर हियर. थैंक यू वेरी मच.